और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी सर्वे की दूसरी रिपोर्ट में दरअसल बड़ा खुलासा हुआ है। कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र है, गोलाकार आकृति के ऊपर कटा हुआ डिजाइन। जी हां, रिपोर्ट में यही लाइन लिखी गई, गोलाकार आकृति का आकार शिवलिंग जैसा, ये रिपोर्ट में कहा गया है। ज्ञानवापी परिसर में सनातन संस्कृति के तमाम प्रतीक हासिल हुए हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। स्वास्तिक, त्रिशूल, घंटियों के प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं। मिट्टी से सनी भगवान की तस्वीरें भी मिली हैं, ये इस रिपोर्ट में सामने आया। तो देखिए, तमाम ऐसी तस्वीरें, तमाम ऐसे चिन्ह हासिल हुए हैं ज्ञानवापी में। जो सर्वे हुआ था, जो वीडियोग्राफी कराई गई थी कोर्ट के आदेश के बाद, अब रिपोर्ट से यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, क्योंकि शिवलिंग का जिक्र इससे पहले भी हुआ और वादी पक्ष की तरफ से यह दावा किया गया कि शिवलिंग है अंदर उस जगह पर जहां पर लोग वजू करते हैं। हालांकि प्रतिवादी पक्ष ने वादी पक्ष के इस दावे को खारिज किया और कहा कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। अब जो रिपोर्ट औपचारिक तौर पर कोर्ट में सौंपी गई है, उसमें भी शिवलिंग का जिक्र है। तहखानों की दीवारों पर सनातन संस्कृति से जुड़े तमाम चिन्ह मिले हैं और ज्ञानवापी परिसर में संस्कृत में लिखे हुए हैं शिलापट पर श्लोक, यह भी जानकारी सामने आई है इस रिपोर्ट के जरिए। तो ये देखिए, शिवलिंग का जो जिक्र है वो, उस पर जरा गौर कीजिए। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार, अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है जिन पर पांच पांच खांचे बने हुए हैं। ये है उस तथाकथित शिवलिंग का जिक्र इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। काई साफ करने वाली एक आकृति का भी जिक्र है। स्वास्तिक, घंटियां, पान, कलश चिन्ह, ये सारी चीजें मिली हैं। और हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए वाराणसी से। कुमार, ये जो पूरा मामला है, जो आज रिपोर्ट सौंपी गई थी उस पर रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद रिपोर्ट सामने आ चुकी है, पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। देखिए सुमेरा, आज जो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो तीन मामले थे, पहला मामला ये कि जो वादी पक्ष है उन्होंने इस बात की मांग की थी कि जो वजू खाने हैं उसको, वहाँ पे भगवान शिवलिंग है तो उस शिवलिंग की पूजा करने की इजाज़त दी जाए, और दूसरा उस शिवलिंग के बगल में पूर्व दिशा में एक गेट है जिसके पास मलबा पड़ा हुआ है तो वहाँ से साफ सफाई की जाए, जिससे यह पता चले कि उस शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है। तो वादी पक्ष के इस मांग पे आज बहस होनी थी, और दूसरा प्रतिवादी पक्ष की ओर से आज एक हलफनामा दायर होना था जिसमें शिवलिंग को लेकर, जिसको वो फाउंटेन कह रहे हैं, और तीसरा जो कोर्ट के सरकारी वकील हैं उन्होंने एक हलफनामा दायर किया था कि इस पूरे मामले का सुमेरा एक मानवीय पहलू भी है, वो ये कि मस्जिद में बाकायदा मुसलमान आते हैं और वजू करते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, तो इसके लिए जब से वजू खाना सील हुआ है तब से उनको वजू करने में परेशानी हो रही है, तो ज़रूरी है कि एक टेम्प्रोरी ऑगमेंटेशन किया जाए वजू खाने के लिए या वजू के लिए, और साथ में यह सब कुछ किसी कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में रखा जाए। तो इन सारे मामलों पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई उसके बाद किसी भी तरह की आज सुनवाई नहीं हुई। जहां तक रिपोर्ट पेश करने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही सुबह 10:15 पर जो विशाल सिंह हैं कोर्ट कमिश्नर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। पेश करने से मेरा मतलब है कि अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी थी कोर्ट के सामने में, और जब आप एक बार कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं तो वादी और प्रतिवादी पक्ष सर्टिफाइड कॉपी वहां से निकलवा सकता है, और अभी अगर रिपोर्ट आई है तो निश्चित रूप से प्रतिवादी पक्ष के पास सर्टिफाइड कॉपी आ चुकी है और उसके बाद हम लोगों के पास भी आई है। अभी अगर हम पूरे मामले की बात करें तो अभी भी आज कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बजे जब कोर्ट में सब लोग आए तब कोर्ट ने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, ऑर्डर है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए अगली सुनवाई मंडे को होगी। तो कोर्ट में आए तो जरूर वादी प्रतिवादी सभी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा सुमेरा कि कल सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से सुनवाई की इजाजत देता है तो संभव है कि कल भी सुनवाई 3 बजे के बाद हो पाए, लेकिन यह निर्भर करता है वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की अवेलेबिलिटी पे। कुंदन, मैं एक आपसे हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है
कि क्या ऐसे हालात हो सकते हैं, क्या ऐसे हालात हो सकते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी हो उसके बाद लोअर कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर स्टे लग जाए, क्या यह भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है निशांत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सुनवाई पर तो रोक लगाई दी है। आज जो सुनवाई होनी थी, आज बहुत अहम मामला होना था, जैसे कि वादी पक्ष ने यह कहा था कि हमें शिवलिंग के आसपास जो है साफ सफाई और जहां मलबा पड़ा हुआ है वहां की भी साफ सफाई की इजाजत दी जाए, जिससे कि शिवलिंग के ऊंचाई और गहराई के बारे में पता चल सके। तो आज इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि कोर्ट की तरफ से इस पर कुछ निर्णय आ सकता है। मैं आपको रोकूंगा यहां पर। ठीक है, तो कुंदन बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अगली सुनवाई होगी, जो कल की तारीख अब बताई गई है, इसमें क्या रुख रहता है? अभी फिलहाल जो बनारस कोर्ट है वहां पर आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आज की जो फाइंडिंग्स है वो बहुत ज्यादा अहम, जो सर्वे रिपोर्ट दूसरी सामने है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत पूरी जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।